साइंस ग्रेड फाइव यूनिट नंबर टू आर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेज नंबर टू सॉल्व द ऑब्जेक्टिव पोर्शन वर्क इट आउट लुकेट द मेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव To locate the main parts of the brain, this part of the brain is cerebrum, cerebrum, this one is cerebellum, cerebellum, and this one is medulla, medulla. फर्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द थ्री मेजर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन शोन इन द डायग्राम अबव लेबल ईच पार्ट्स करेक्टली इन द बॉक्सिस ब्रीफली डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट इन द कॉलम्स बिलो आपने जो लोकेट किया है पार्ट्स ऑफ ब्रेन को अब आपने इस बॉक्स में उनके नाम लिखने हैं और इनके फंक्शंस बताने हैं तो पहला आपने लिखना है सरेबरम Cerebrum. It helps to control our voluntary actions. It helps to control our voluntary actions, coma senses, comma feelings. It also helps to recognize colors, shapes and words, etc. Second is cerebellum. Cerebellum function. It helps to control body balance. It helps to control body balance, coma, movement, and coordination of muscles. And the third is medulla. It helps to control involuntary actions like breathing, digestion of food, etc. Now come on the question number two. Name the part of the brain responsible for coordinating or controlling each activity or conditions listed below. Okay. तो इसमें आपको एक्टिविटीज़ दे दी गई हैं आपने ब्रेन का वो पार्ट बताना है जो इन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है तो फर्स्ट है आपके पास टेस्टिंग का हैमबर्गर तो टेस्टिंग क्या है हमारे सेंसेस में इंक्लूड है तो हमारे सेंसेस को कंट्रोल कौन सा करता है पार्ट ऑफ ब्रेन सेरिब्रम सेरिब्रम फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन सैरीब्रम सेकेंड वन इज़ आर्टिस्टिक अबिलिटी अबिलिटीज़ हमारी जितनी भी होती हैं ठीक है, है? आर्टिस्ट आर्ट से रिलेटेड तो यहाँ पर उन्होंने आर्ट से रिलेटेड अबिलिटी बताई है तो जितनी भी अबिलिटीज़ होती हैं हमारी वो कौन कंट्रोल करता है सैरीब्रम ही कंट्रोल करता है सैरीब्रम सैरीब्रम सी इज़ किकिंग अकर बॉल किकिंग अ सुकर बॉल सुकर बॉल को किक करते हैं जब आप तो आपकी मसल्स कोऑर्डिनेशन होती है मसल्स की मूवमेंट होती है तो मूवमेंट ऑफ मसल्स को कंट्रोल कौन करता है या कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स को सैरी बैलम सैरी बैलम रेट ऑफ ब्रीथिंग रेट ऑफ ब्रीथिंग दिस इज एन इनवोलेंट्री एक्शंस

now come on the page number 17 page number 17 exercise you have to given the notes of these questions you have to given the notes of these questions and you have to write it on neat sheets okay now come on the part b choose and write the correct options फर्स्ट वन द डैश कंट्रोल्स आल इन्वोलेंट्री एक्शंस ऑफ द बॉडी हमारी बॉडी के इनवोलेंट्री एक्शंस को कौन सा पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल करता है एंड डैट इज मेड्यूला पार्ट टू द डैश नर्वस कैरी मैसेजेज फ्राम आर सेंस ऑर्गन टू द स्पाइनल कार्ड वो कौन से नर्वस हैं जो मैसेज को कैरी करती हैं सेंस ऑर्गन से और लेकर जाती हैं स्पाइनल कॉर्ड की तरफ तो डैट इज सेंसरी नर्व्स। थर्ड वन इज द डैश इज इन्वॉल्व इन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हमारी जो थिंकिंग स्किल्स होती हैं हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट उसमें इन्वॉल्व होता है सेरिब्रम, सैरीब्रम फोर्थ इज डैश इज़ नॉट एन एग्ज़ाम्पल ऑफ वलेंट्री एक्शन इनमें से कौन सी वॉलन्ट्री एक्शन की एग्ज़ाम्पल नहीं है दैट इज़ डाइजेशन ऑफ फूड डाइजेशन ऑफ फूड आई होप कि अब आप इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे और याद करेंगे अल्लाह हाफिज़